भड़काऊ एक्ट के आरोपी साबू सिंह को आज 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है तथा 24,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। नाबालिग के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा से किया दंडित। ब्यावर सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश बीएल जाट ने सुनाया अहम फैसला। पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने नाबालिग बच्ची के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी साबू सिंह को 20 साल कठोर कारावास व 24,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि परिवादी की ओर से 23 जून 2020 को ब्यावर सिटी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री उसकी साली के घर गई थी, जहां से वापस लौटते वक्त आरोपी साबू सिंह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किए तो उसने आरोपी साबू सिंह पर बहला फुसला कर दुराचार करने के आरोप लगाए, जिस पर पुलिस ने 164 के बयान दर्ज कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। इस दरमियान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बीएल जाट ने विधि विज्ञान में एफएसएल और डीएनए की रिपोर्ट को आधार मानते हुए मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी साबू सिंह को मुजरिम करार देते हुए सजा का ऐलान किया। आज पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी साबू सिंह को आज 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है तथा 24,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने पुलिस थाना ब्यावर सिटी में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी पुत्री उसकी साली के घर पर गई थी और साली के घर से जो वापस ये कहकर निकली थी कि वो अपने घर जा रही है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची तो उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिला, तो परिवादी ने ब्यावर सिटी में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री कहीं चली गई है। घटना के 3 दिन बाद पुलिस उस लड़की को दस्तयाब करके लेके आई। दस्तयाब करके आने के बाद पुलिस के समक्ष इस बच्ची के बयान हुए और मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान कराए गए उसके अंदर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त साबू सिंह जो उसके घर के सामने मकान का काम चल रहा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आता जाता था, वहाँ काम करता था, इसलिए उससे परिचित हो गई थी और साबू सिंह ने उसे साथ जाने के लिए उत्प्रेरित किया और उसे लेकर गया और उसे जंगल में ले जाकर उस बच्ची के साथ दुराचार किया। इस घटना की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुई उससे भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। अभियोजन की ओर से इस प्रकरण के अंदर 11 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। इन सभी पर माननीय न्यायालय ने विश्वास करते हुए आज अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।